हेलो नमस्कार दोस्तों, 11 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस डिस्कशन में हम सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ये आर्टिकल दिया गया है मेन पेज पे, ये आर्टिकल एक्चुअली यहाँ पे दिया गया है बेड बैंक के बारे में कि गवर्नमेंट है वो बेड बैंक बनाने जा रही है, बट उसको यहाँ पे आर्टिकल जो राइटर है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसी से कोई सोल्यूशन वो नहीं वगैरह निकलने वाला है। तो इसे हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस हम वो करेंगे। इसी के साथ ही इसमें नीचे जो आर्टिकल यहाँ पे आया सेकंड नंबर का, ये जो आर्टिकल दिया गया है ये एक्चुअली तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में अभी जो सीज फायर हुआ है उसको लेके आया है। सो देखो कंटेक्स्ट थोड़ा मोटा मोटा ही आपको बता दूं कि वहाँ पे अफगानिस्तान में जो घानी की गवर्नमेंट है उन्होंने एक्चुअली अभी रिसेंटली 7 दिन का सीज फायर है वो किया था कि भाई अभी ईद आ रही है तो 7 दिन के लिए सीज फायर है वो साइन किया गया था। तो इसी के बाद एक्चुअली तालिबान है उसने भी 3 दिन के लिए सीज फायर है वो किया है। तो उससे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वहाँ की सत्ता के ऊपर और क्या वहाँ का माहौल है, वो किस तरीके से मतलब उनमें शांति वगैरह स्थापित की जाएगी, तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। इसी के साथ यहाँ पे जो ये आर्टिकल दिया गया है ये एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया गया है कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रेट वगैरह वो बढ़ा दिए हैं फिर भी क्यों मतलब लोग वरी वगैरह क्यों नहीं है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस वो किया गया है। तो इसमें देखो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको मैं यही बता देता हूँ। इस आर्टिकल में सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए काम का है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कौन करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने का काम है वो किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और 3 मेंबर होते हैं उसमें आरबीआई की तरफ से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3 मेंबर हो जाएंगे यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से और 3 मेंबर ही हो जाएंगे आरबीआई की तरफ से। तो इन दोनों के मतलब इन 6 मेंबरों के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी की रेट वगैरह क्या रहेगी। तो अभी रिसेंटली जो रेपो रेट है इसको 0.25 जो बेस रेट है वो यहाँ से इंक्रीज़ है वो किया गया बेस पॉइंट से। तो ये इसको लेकर कंटेक्स्ट वगैरह है। तो देखो आपको बेस रेट वगैरह है ये अभी याद रखने के लिए, सॉरी रेपो रेट वगैरह ये अभी याद रखने की कोई ज़रूरत है वो नहीं है, क्योंकि ये जब भी कोई एग्जाम होते हैं उस टाइम पर आप करंट डाटा वो देख लीजिएगा, वही हमारे लिए एग्जाम में काम का वो होता है। तो अभी रिसेंटली अगर आप याद करोगे फिर बाद में काफ़ी लंबे टाइम बाद एग्जाम होती है तो बार बार आप इन डाटाओं को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई एग्जाम आती है तो उस टाइम एक बार आप डाटा को हल्के से रिवाइज कर लीजिए कि भाई अभी रिसेंटली रेपो रेट वगैरह क्या चल रही है, रिवर्स रेपो रेट वगैरह वो क्या है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया गया है। राइटर कह रहे हैं कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं उसके बाद यहाँ पे आरबीआई ने काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो कमेटी है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट की इन दोनों ने जो रेपो रेट वगैरह है इनमें चेंजेस वगैरह की है। तो उसी को लेकर इस आर्टिकल में पॉइंट्स वो डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो एक्चुअली बिग डाटा के बारे में डिस्कस किया गया है कि देखो गवर्नमेंट है वो बिग डाटा को यूज़ कर सकती है, अभी हमारे देश की गवर्नमेंट है वो बिग डाटा को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज वो नहीं कर रही है। तो क्या बिग डाटा है इसके बारे में पॉइंट यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे जो ये आर्टिकल दिया गया है ये आर्टिकल ये कह रहा है कि भाई जो स्पीकर होता है स्टेट असेंबली में, इसके साथ ही जो गवर्नर होता है, इन दोनों के बीच में आजकल काफ़ी डिफरेंसेज है वो पैदा हो रहे हैं। एग्जाम्पल दिया गया रिसेंटली कि भाई देखो एक बार तो करंट एग्जाम्पल दिया गया वो दिया गया है यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट का, और इसके बाद एक एग्जाम्पल दिया गया वो दिया गया है यहाँ पे तमिलनाडु में कि जयललिता के निधन के बाद किस तरीके से वहाँ पे जो पार्टी है वो दो भागों में बट गई थी और स्पीकर ने अपना कैसा रोल निभाया और जो वहाँ पे गवर्नर थे उनका रोल क्या था। तो देखो राइटर के द्वारा जो पॉइंट्स दिए गए वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इस आर्टिकल में कुछ खास है नहीं क्योंकि मंडे को ये जो आर्टिकल है इसमें द हिंदू के जो लास्ट वीक के आर्टिकल है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे फिर जो आर्टिकल द इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ आर्टिकल को मतलब डिस्कस वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में। देखो अफगानिस्तान में आपको बता दूं कि भी रिसेंटली घानी की गवर्नमेंट है, बट हाँ घानी के पास प्योर मेजोरिटी नहीं है तो वो एक्चुअली तालिबान की हेल्प से वहाँ पर गवर्नमेंट है वो बनाई गई है। बट जो मैक्सिमम रूरल एरिया है वो एक्चुअली वहाँ पर तालिबान के अंडर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रूरल एरिया का जो मैक्सिमम भाग है वो तालिबान के अंडर है और जो बाकी जो हिस्सा है वो वहाँ पे जो वहाँ की गवर्नमेंट है घानी साहब की उस गवर्नमेंट के अंडर है। बट देखो है क्या, आपको पता है कि तालिबान और यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती है, इसकी वजह से यूएसए वहाँ पे शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश है वो कर रहा है और यूएसए चाहता है कि तालिबान को सत्ता से वहाँ से उखाड़ फेंका जा सके, बट अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। हाँ ये बात जरूर है कि कुछ एरिया है जो तालिबान से कैप्चर करके वहाँ की गवर्नमेंट है वो अपने दायरे में उसने ले लिया है। और आप भी जानते हो कि इंडिया के लिए भी तालिबान है वो वहाँ पर अच्छा नहीं है, जबकि तालिबान ये चाहता है कि वो वहाँ पर अफगानिस्तान में अपनी सत्ता बनाए फुल मेजोरिटी के साथ, जिसकी वजह से उसकी पावर है वो बढ़े। तो इंडिया हो या यूएसए ये जैसी कंट्रीज है वो चाहती हैं कि भाई कुछ भी हो जाए बट अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान जो तालिबान है उसकी वजह से यूएसए को भी लॉस है और उसकी वजह से इंडिया को भी नुकसान हुआ हुआ है, तो दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा नुकसान खराब है वो हो सकते हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखो बात ऐसी है कि जो यूएसए है वो वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है और उसकी वहाँ की जो आर्मी वगैरह उनको ट्रेंड कर रहा है ताकि वो लोग वहाँ पर जो भी सोल्जर्स वगैरह हैं वो वहाँ पर
तालिबान है उनके आतंकवाद के साथ निपट सकें, उनके साथ लड़ सकें। तो अभी रिसेंटली एक सीज़ फायर वो किया गया, तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो गवर्नमेंट की पावर है वो तो वहाँ पर बढ़ रही है, बट सीज़ फायर का दोनों पक्षों को फ़ायदा उठाना चाहिए और वहाँ पर शांति है वो स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान में माहौल काफ़ी ठीक नहीं है, मतलब काफ़ी ख़राब माहौल है एक तरीके से देखा जाए तो। वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको काफ़ी बार मतलब जान का खतरा रहता है, काफ़ी बार लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो ऐसे माहौल में जब दोनों ने सीज़ फायर अभी किया है तो उसका फ़ायदा उठाते हुए शांति स्थापित कर लेनी चाहिए, ताकि जिससे जो भी बेनिफिट हो वो दोनों आपस में मिल बांट के वहाँ पे काम है वो कर सकें। इसके साथ ही बात ऐसी है, राइटर कह रहे हैं कि देखो जो वहाँ पे अफगानिस्तान में जो फॉरेन ट्रूप्स हैं, मतलब जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं, इसकी वजह से मामला थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो रहा है। जबकि राइटर का कहना है, राइटर भी ऐसा कह रहे हैं कि देखो भाई बात तो बिल्कुल सही है कि वहाँ पे अफगानिस्तान में माहौल थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से कुछ जो बाहरी ट्रूप्स हैं जैसे यूएसए की ट्रूप्स हुई, इससे पहले यूएसए से पहले आपको बता दूं कि रशिया की जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ पे आर्मी थी, उसने भी काफ़ी कोशिश की थी तालिबान को हटाने के लिए, बट वैसा कुछ मुमकिन है वो नहीं हो पाया था। तो राइटर का ये कहना है कि चाइना है, पाकिस्तान है, ये तो एक्चुअली इनडायरेक्टली तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे तालिबान हुआ और जो वहाँ की गवर्नमेंट है घानी साहब की, उनके दोनों के बीच में तालमेल वो नहीं बन पा रहा है और उसकी वजह से डिफरेंसेस ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा जो आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिए। रिसेंटली केवल यही बात की गई है कि भाई जो 7 दिन के लिए जो घानी गवर्नमेंट ने सीज़ फायर किया है, इसी के साथ 3 दिन के लिए जो वहाँ की तालिबान है उन्होंने सीज़ फायर किया है, उसको एक्चुअली फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर शांति स्थापित करनी चाहिए दोनों ट्रूप्स को, तब भी अफगानिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है वो हो सकता है। तो मैपिंग के नज़रिए से देखा जाए तो अफगानिस्तान की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसके जो नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कि यूपीएससी काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन से वो पूछ लेती है, जैसे कि लास्ट ईयर जो उसने इज़राइल की जो पड़ोसी कंट्रीज थी उनके बारे में पूछा था, जॉर्डन हुआ, लेबनान वगैरह, तो उस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। और आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि अफगानिस्तान की कैपिटल है वो कहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आ रहा है बैड लोन के, बैड बैंक के बारे में। देखो बैड बैंक है क्या, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। राइटर सबसे पहले बता दूं कि बैड बैंक के जो मेथड है या जो आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट है बैड बैंक का, इसको क्रिटिसाइज है वो कर रहे हैं। तो अब हम इसको हम देख लेते हैं। जो हमारे इकोनॉमिक चीफ एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम, उनके द्वारा एक कॉन्सेप्ट है वो लाने की बात है वो की गई है। देखो बात कुछ ऐसी है कि एनपीए क्या होता है, सबसे पहले इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम ट्विन बैलेंस शीट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी आप एग्जांपल समझिए कि किसी भी इंसान ने बैंक से लोन लिया, अब आपको पता है कि बैंक से अगर लोन लिया है तो उसको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ईएमआई, मतलब कुछ ना कुछ किस्तों में पैसा है वो वापस करना होगा। बट अगर वो इंसान पैसा अपना ईएमआई की फॉर्म में, जो भी किस्त वगैरह है उसकी फॉर्म में पैसा नहीं चुका रहा है, मतलब कि जैसे कि आज उसकी किस्त चुकाने की डेट थी और उसको 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, नॉर्मली 90 डेज का टाइम होता है कि 90 डेज के अंदर उसने ईएमआई पे नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि वो एक एनपीए घोषित तो क्या, मतलब वो पैसा बैंक के पास नहीं आने वाला है, वो पैसा एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक का जो बैंक है उसके ऊपर एक तरीके से बोझ बन गया है। तो उसको एनपीए कहा जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, कि भाई उस एसेट से अब कोई परफॉर्मेंस है वो नहीं हो रही है, कि वो एक तरीके से पैसा वो डूब गया है, तो उसको बोला जाता है एनपीए। तो ये नॉर्मली 90 डेज के टाइम के पीरियड में इसको काउंट हो किया जाता है कि कोई भी जो ईएमआई वगैरह अगर 90 डेज में नहीं पे की जाए, इसका मतलब वो एनपीए में कन्वर्ट है, वो हो गया है। इसके साथ बात आती है ट्विन बैलेंस शीट। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, देखो काफ़ी बार आपने सुना होगा, इवन बजट के अंदर भी, इसके बजट के अंदर भी काफ़ी सारी इसकी बातें हैं वो की गई हैं, सॉल्यूशंस भी यहाँ पे बताए गए हैं। देखो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि बैंक है, बैंक क्या करता है, कस्टमर या जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं इनको लोन है वो दे देता है। तो ऑब्वियसली कॉरपोरेट ग्रुप ने लोन तो ले लिया बैंक से, अब अगर जैसे बैंक है, सॉरी जो कॉरपोरेट ग्रुप है, अगर वो पैसा बैंक को नहीं चुका पा रहा है तो उससे क्या होगा, देखो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा वापस, तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा इससे क्या होगा कि बैंक और लोगों को लोन है वो नहीं दे पाएगा। और इसी के साथ दूसरा नुकसान ये हो जाएगा कि भाई जिस कंपनी या जिस कॉरपोरेट ग्रुप ने पैसा लिया था वो भी एक्चुअली से अपने पैसा वापस अर्न नहीं कर पा रहा, तो एक तरीके से जो बैलेंस शीट है वो दोनों की गड़बड़ा जाएगी। तो इस चीज़ को कहा जाता है कि ट्विन बैलेंस शीट। बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा तो आपको पता है कि जब बैंकों को पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा तो भाई वो दोबारा से लोन कहाँ से देंगे, तो बैंक भी डूब जाएंगे और जो कॉरपोरेट फर्म्स हैं वो भी यहाँ पे डूब जाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है वो आती है ट्विन बैलेंस शीट की साथ। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। राइटर का देखो ऐसा कहना है यहाँ पे कि भाई जो बैड बैंक की बात है ना, अब बैड बैंक है क्या पहले तो वो ही देख लेते हैं। देखो जो एनपीए की प्रॉब्लम है इससे निपटने के लिए एक बैड बैंक बनाने की बात की जा रही थी, कि भाई एक हम ऐसा बैंक बनाते हैं जिसमें जो भी एनपीए का पैसा है, जो ट्विन बैलेंस शीट के जो भी लोन वगैरह है मतलब पेंडिंग, वो सारे उस बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, फिर वो बैंक क्या वसूली करेगा एक तरीके से, कि भाई घर घर जाके जो कॉरपोरेट ग्रुप्स वगैरह हैं उनसे, कि भाई आप पैसा क्यों नहीं दे रहे, उनके साथ एक तरह बातचीत वगैरह की जाएगी कि भाई क्या इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो जैसे साम दाम दंड पे जो भी मेथड है उनके द्वारा जो पैसा है वो वापस से कलेक्ट किया जाएगा। तो उनके लिए
बैंक बनाया जा रहा है उसको कहा गया है बैड बैंक यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई यूपीएससी एग्जाम में पूछ लेगी कि बैड बैंक क्या है, लोन देने के लिए हैं क्या, रूरल एरिया में डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट वगैरह दे सकती है। तो आपको ध्यान रखना है बैड बैंक है वो एनपी और ट्विन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम है इससे निपटने के लिए बनाए गए हैं, बनाने की बात है सॉरी वो की जा रही है, अभी तक बनाए हो नहीं गए, लास्ट ईयर के बजट में इसके बारे में बात हो की गई थी मेनली। अब इसके साथ राइटर ऐसा कह रहे हैं कि देखो भाई बैड बैंक से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला अकेला, हमें यहाँ पे साथ साथ जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो भी लेके आना होंगे, क्योंकि हमारे देश में जो बैंकों की जो रिफॉर्म जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है वो बहुत डिले हो रहे हैं, बहुत टाइम पे नहीं है। इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि टाइम पे अगर रिफॉर्म वगैरह नहीं हो रहे हैं स्ट्रक्चर वगैरह में बैंक की, जिसकी वजह से कुछ लोग होते हैं वो पैसा का फ़ायदा उठा लेते हैं और बैंकों को पैसा वगैरह नहीं दे पाते हैं, नहीं देते हैं, जानबूझ के विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हैं, विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग। तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो लेके आने होंगे। इसके साथ ही यहाँ पे पारा की बात की जा रही है, पारा क्या है, पारा है पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी, एक तरीके से बैड बैंक के लिए ही है कि भाई जो भी पैसा है उसको किस तरीके से वापस रिकवर करना है उसके लिए पारा की बात हो यहाँ पे की गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है राइटर के द्वारा क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, पारा क्या है, एनपीए क्या होता है, ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम्स क्या है, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। तो बेसिकली इस राइटर के द्वारा जो पॉइंट बताए गए थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ओपन डेटा के बारे में जो हम देखते हैं अभी। देखो बिग डेटा बोल दो ओपन डेटा है क्या, देखो जब भी हम एग्जांपल समझते हैं कि आपने कोई भी जैसे वेबसाइट है आपने गूगल पे सर्च किया कि मेरे को शू बाई करने हैं, तो आपने देख लिया कि शू डिज़ाइन वगैरह कुछ भी कि हाँ ये जैसे फ्लिपकार्ट की साइट खोली वहाँ पे आपने शू वगैरह देख ली कुछ भी। इसके बाद होगा क्या कि आप जब भी कोई वेबसाइट वगैरह दूसरी सर्च वगैरह करोगे एक तरीके से सफरिंग वगैरह करोगे तो उस कंडीशन में आपके पास बार बार में एक तरीके से ऐड आते रहेंगे, जैसे कि वेबसाइट पर आते हैं उसी तरीके से कि भाई आप ये शू ले लो ये शू ले लो। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से बिग डेटा का ही एक एग्जाम्पल है। मतलब क्या हुआ, जो छोटे छोटे डेटाज हैं हमारे की हमारी जो हम किस तरीके से हम चीज़ को सर्च कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं कंपनी एक सॉफ्टवेयर के तहत पहचान लेती है कि भाई इस आदमी की रिक्वायरमेंट वगैरह का है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको एडवाइस वगैरह देती है। तो ये एक तरीके से बैड बैंक का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सॉरी बैड बैंक नहीं इसको सॉरी ये बैड बैड बैंक नहीं सॉरी बिग डेटा का यहाँ पे एग्जांपल आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे गूगल हुई, अमेजोन हुई, ये कंपनियाँ क्या करती हैं बिग डेटा को कलेक्ट तो कर लेती हैं और उसका यूज़ भी करती हैं, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड को देख लेती हैं कि भाई कस्टमर को कैसी चीज़ें चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में लॉन्च करती हैं और उनके प्रोडक्ट काफ़ी सफल रहते हैं और उनको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है वो यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे बात की जाती है कि राइटर का कहना है कि देखो गवर्नमेंट है ना हमारे देश की, इसको सबसे पहली बात तो है कि बिग डेटा को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो डेटा है वो काफ़ी मात्रा में ओपन है और डेटा आपको पता है कौन क्रिएट करता है, डेटा करते हैं हम जो जनता है उसके द्वारा ही डेटा है वो क्रिएट किया जाता है, क्योंकि हमारी ही चॉइस होती है हमें क्या चाहिए, हम वही चीज़ सर्च करते हैं तभी तो वो हमें दिखाते हैं। तो डेटा क्रिएट करने वाले लोग कौन है, वो हम ही हैं, हमारे द्वारा डेटा है वो क्रिएट किया जाता है। तो इस डेटा को एक तो रेगुलेट करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि इसका मिसयूज़ वगैरह हो सके, इसके साथ ही गवर्नमेंट को उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। कैसे, जैसे गवर्नमेंट कोई भी स्कीम बना रही है उसके लिए वो डाटा का यूज हो कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम किसी स्कीम में देखते हैं कि भाई वो गवर्नमेंट है उसमें सोशल जो सेंसस हुआ था 2011 में उसके आधार पे डाटा को यूज हो किया जा रहा है। तो उसी तरीके से हमें गवर्नमेंट को डाटा वो कलेक्ट करना चाहिए जगह जगह से और फिर उसको एनालाइज करना चाहिए कि भाई लोगों की डिमांड क्या है, कैसी हमें स्कीम लेके आनी है, क्या क्या लोगों को चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को आगे अपने प्रोग्राम्स वगैरह इंप्लीमेंट है वो करने चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि भाई आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ सोशल साइट्स हैं वो भी सर्वे के तहत डाटा कलेक्ट है वो कर लेती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली फेसबुक के ऊपर आरोप भी लगा था कि उसने दूसरी कंपनी को सोशल जो साइट्स का सर्वे वगैरह डाटा है वो दे दिया था, लीक हो गया था, तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ वगैरह हो सकता है। राइटर का ये कहना है कि देखो अगर हमारे देश की गवर्नमेंट इस तरीके के डाटा को अगर यूज़ करे सही ढंग से तो नहीं करते भी हमारे देश की जीडीपी 1.4% के आसपास बढ़ सकती है, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है अभी गवर्नमेंट के लिए। इसी के बाद में राइटर एक एग्जांपल देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन का कि यूरोपियन यूनियन ने जो बिग डाटा है इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भी बनाया है रेगुलेशन के लिए, वो बनाया है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर, ये आपको ध्यान रखना है GDPR कि ये बनाया किसने, ये बनाया है यूरोपियन यूनियन ने। UPSC एग्जाम में कई बार पूछ भी लेती है इस तरीके से कि जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर है वो क्या इंडिया के द्वारा बनाया गया ITC वगैरह, तो आपको ध्यान रखना कि भाई इंडिया ने ऐसा कोई भी एक्ट वगैरह अभी तक नहीं बनाया है। देखो बात ऐसी है, कस्टमर का डेटा है ना काफ़ी सेंसिटिव होता है, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी भी होती है, डाटा प्रोटेक्शन भी बात यहाँ पे आ जाती है।
तो राइटर का कहना है कि डेटा प्रोटेक्शन के साथ डेटा प्राइवेसी है उसका हनन भी नहीं होना चाहिए, इसके साथ ही गवर्नमेंट और जो कस्टमर है उन दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को डेटा कलेक्ट करके उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि कस्टमर का भी मजा, कस्टमर को भी फ़ायदा मिल जाए और जो बाकी गवर्नमेंट है वो भी ढंग से पॉलिसी वगैरह बना सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि गवर्नमेंट जो सोयल हेल्थ कार्ड बनाती है उससे क्या होता है, गवर्नमेंट जितने भी फार्मर्स हैं उनकी एक्चुअली गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई इस किसान की भूमि ऐसी है, इस वाले एरिया में ऐसी ऐसी भूमि है, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट को उस तरीके से बीज वगैरह बनाने चाहिए कि भाई इस वाले एरिया में ज़्यादा सूखा होता है तो यहाँ पे ऐसे बीज दिया जाए, इस वाले एरिया में ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पे इस तरीके के बीज देने हैं, और यहाँ पे जो मिट्टी है इसकी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे जो बोल सकते हो कि मिट्टी की अम्लता कम है ज़्यादा है, जो क्षारीयता के तत्व हैं वो कम ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को वहाँ पे जो भी प्रक्रिया वगैरह है, जो भी स्कीम वगैरह वो चलानी चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो किसानों की इनकम डबल करने की बात का कॉन्सेप्ट है उससे भी यहाँ पे पूरा कर सकती है। इसी के साथ जो MSME सेक्टर है उसको भी बेनिफिट होगा, फार्मर्स हैं उनकी इनकम डबल करने की बात की जा रही है 2022 तक, उस कॉन्सेप्ट में भी यहाँ पे बेनिफिट हो मिलने वाला है, और जो बाकी बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि वो भी इस तरह के डाटा का यूज़ करेंगे और एक ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा तो वहाँ से वो भी उनको भी डाटा एक्सेस है वो मिल जाएगी। तो राइटर के द्वारा कुछ बेसिक पॉइंट हैं वो दिए गए हैं कि भैया गवर्नमेंट को कैसे कैसे स्टेप उठाने चाहिए और किस तरीके से डाटा को यूज हो करना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो हो सकते हैं, तो हमने इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है गवर्नर और स्पीकर के बारे में। इस आर्टिकल में से मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर के रोल है उसको और स्पीकर के रोल के बारे में बात हो की गई है। इस आर्टिकल में ही कहा गया है कि भाई जो हमारे देश में आपको पता है डेमोक्रेसी काम करती है, इसी के साथ ही यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नर और जो स्पीकर है इन दोनों के रोल को चेंज करने के लिए हमें कुछ स्टेप हैं वो बनाने होंगे। भाई किस तरीके से, एक तरीके से बात की जा रही है कि जो गवर्नर है वो भी स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और स्पीकर है वो भी स्वतंत्र रूप से काम है वो कर सकें। अब है क्या सारा सीन वो देखते हैं। देखो बात ऐसी है, जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हो आप कर्नाटका का, कि कर्नाटका के अंदर जैसे अभी इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद आपको पता है कांग्रेस और जो वहाँ की लोकल पार्टी है उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास मेजोरिटी और हम गवर्नमेंट है वो बनाएंगे। बट जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही एक तरीके से काम है वो करता है, मतलब गवर्नर है उसके पास खुद की पावर तो होती हैं बट फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिस पे ही काम करता है नॉर्मली। तो इसीलिए हुआ क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसने जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे सत्ता बनाने के लिए आमंत्रित है वो किया, जबकि उस टाइम पे बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत एक्चुअली साबित बीजेपी नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद भी बीजेपी को मौका वो दिया गया। तो इससे एक चीज़ सामने आ रही है कि भाई जो गवर्नर है ना वो प्रॉपर ढंग से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का उन पर डायरेक्टली हस्तक्षेप होता है। तो राइटर के द्वारा कहना है कि भाई गवर्नर के जो पोस्ट ना ये एक्चुअली स्वतंत्र रूप से काम करे इसके लिए कुछ संशोधन वगैरह जो भी कुछ प्रक्रिया है उसको चेंजेस वगैरह किया जाए। इसके बाद में बात की जा रही है स्पीकर की, क्योंकि आप जानते हो स्पीकर है वो भी जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का सदस्य है, उसी का मेंबर है वो होता है नॉर्मली। तो स्पीकर के जो भी डिसीजन वगैरह होते हैं वो मेनली सत्तारूढ़ पार्टी के, मतलब सत्तारूढ़ पार्टी है उसके फेवर में ही होते हैं। तो राइटर का कहना है कि भाई जो स्पीकर और जो गवर्नर है ये दोनों के पद काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इसलिए इनके जो इलेक्शन की बात है या इनके जो पावर की बात है वो ऐसी होनी चाहिए कि कहीं भी ऐसा नहीं हो कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी मनमर्जी करें, मतलब स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, इसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे राइटर के द्वारा की जा रही है कि गवर्नर और स्पीकर की जो पोस्ट है वो स्वतंत्र रूप से काम करे इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप वगैरह यहाँ पे उठाना चाहिए। बाद में जो अगला आर्टिकल था वो था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी में 3+3 मेंबर होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 3 यहाँ पे किए जाते हैं RBI के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड है वो किया जाता है कि भाई किस तरीके से रेपो रेट वगैरह में चेंजेस वगैरह करने हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे देख ली। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। आगे हम जल्दी ही जो मेंस के लिए क्वेश्चन सीरीज है मेंस के लिए जो हमारी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं 2-4 दिन से ही। आगे से जो भी कुछ इश्यूज़ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उनको आगे से इम्प्रूवमेंट है वो उनमें की जाएगी। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।